चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज मैं बनाने वाली हूँ केक जो कि 2 पाउंड का होगा और ऑर्डर का केक है ये। और ये बहुत ही बड़े ब्रांड की पिक्चर है जो मेरे साथ शेयर की गई है। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है, डेकोरेशन कोई भी खास नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि मैं इतने बड़े ब्रांड के डिज़ाइन का केक बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम केक बेक करेंगे और 2 पाउंड के केक में कितना प्रीमिक्स लगता है वो जानेंगे। तो चलिए 2 पाउंड का केक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में मैं लूँगी 2 कप और थोड़ा सा 1/4 कप प्रीमिक्स, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। तो इसमें आज मैं नाप के पानी डाल रही हूँ जिसमें आपको पता चल सके कि कितना पानी लगता है इसमें। तो 1 कप अभी जा चुका है पानी और थोड़ा सा मैंने और लिया है। 2.25 कप प्रीमिक्स को मिक्स करने में मुझे 1 कप और 2 बड़ा चम्मच पानी का लगा है। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे कोई कोई प्रीमिक्स में ज़्यादा भी पानी लग जाता है, कोई कम में भी हो जाता है, तो मेरे वाले प्रीमिक्स में इतना ही पानी लगता है। तो ये मेरा रेडी हो गया। अब लास्ट में इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, तो जितना हम प्रीमिक्स यूज़ करते हैं उतना ही टीस्पून हमें ऑयल डालना होता है। तो ऑयल भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। तो इसके लिए लिया है मैंने 10 इंच का टिन, गोल टिन ली, गोल ही केक बनाना है तो गोल टिन लिया है। और लेकिन इस टिन की मेरी हाइट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी वो भी मैं बताती हूँ। तो कि टिन को पहले हम ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद उसमें बटर पेपर लगाएंगे। ये मेरे कल के केक का बटर पेपर बचा हुआ साइड साइड से जो बच जाता है उसको मैंने यूज़ कर लिया है, और उसके बाद हम इस तरह से बटर पेपर साइड में भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि केक जब फूलेगा तो उसको स्पेस मिलेगी, मिल जाएगा अच्छे से, तो वो ऊपर तक आ जाएगा। नहीं तो फिर केक जो है या तो ओवरफ्लो कर जाएगा या फिर सिंक कर जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें बैटर डाल देंगे अच्छी तरह से, उसके बाद टैप कर देंगे ताकि एयर बबल निकल जाए इसके अंदर से। और इसको हम, ये देखिए इसकी हाइट कम है, अब इससे जो ऊंचा जाएगा केक तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, बटर पेपर उसको सपोर्ट कर देगा। तो पतीला मैंने पहले ही रख दिया था प्रीहीट के लिए, अब इसको बहुत आराम से अंदर डालेंगे, हाथ नहीं जलना चाहिए। और इसको 30 से 35 मिनट तक हमें बेक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब इसको हम 30-35 मिनट बाद खोलेंगे। तो केक हमने बेक होने के लिए रख दिया है, वो अब 25 मिनट लगेगा उसको बेक होने में। तो उसके लिए अब हम आगे जो केक के लिए हमको चाहिए वो बना लेते हैं। तो बच्चे का नाम भी लिखना है, तो उसको नाम को हम वाइट चॉकलेट कंपाउंड से लिखेंगे मोल्ड में डाल के। और इसके लिए हमें गनाश तैयार रेडी करना है, चॉकलेट केक है तो गनाश चाहिए, तो गनाश रेडी कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम। सबसे पहले हम पैन में पानी गर्म कर लेंगे और वाइट चॉकलेट को हम थोड़ा ही सा चाहिए हमें, तो उसको हम काट लेंगे और पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। इसको मेल्ट करना है तो इस पानी में रख के हम इसको मेल्ट करेंगे। इससे हमें नाम लिखना है मोल्ड में डाल के। तो अब ये देखिए थोड़ा पिघल गया है ये, तो इसके अंदर हम पिंक कलर डाल देंगे, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके अंदर तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये रेडी हो गया है। अब पाइपिंग बैग को हम थोड़ा सा काट लेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और मोल्ड में हम इस तरह से डाल के फ्रिज में सेट कर लेंगे। पहले बाहर रखेंगे थोड़ी देर तक, जब थोड़ा ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको 5 मिनट फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे लेटर जितना मुझे चाहिए उतना निकाल लिया, उसमें 1-2 रह गया तो वो मैंने बाद में निकाला। तो आपको जो भी नाम है आपका उस तरह से बना सकते हैं, फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं, सेम इसी में फॉन्डेंट डाल के भी बना सकते हैं। तो ये मेरा नाम हो गया रेडी। 1 लेटर A रह गया है, वो मैंने डाल दिया सेट होने के लिए फ्रिज में। अब इसके लिए क्रीम बीट करेंगे। तो 2 पाउंड का केक है तो उसके लिए 2 कप, लगभग 2 कप क्रीम लगेगी, उसमें कुछ बच भी जाएगा शायद, तो क्रीम निकाल लेंगे हम। इसको स्टिफ पीक आने तक अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तो इसको फेंट के मैंने साइड में रख दिया और ये नाम भी मेरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश के लिए मैंने लिया है 1 कप चॉकलेट, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप ही क्रीम, उसके बाद इसको हम चूल्हे पर रखेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है जैसे चॉकलेट। तो देखिए मेल्ट हो गया है, चूल्हे को बंद कर दिया है मैंने।
इसको चलाएंगे तो जो भी गुठली है वो पिघल जाएगी। अब इसको हमें छान लेना है अच्छे से। चॉकलेट गनाश को हमेशा छान के यूज़ करना चाहिए। क्रीम भी मेरी हो गई है, अब थोड़ी सी क्रीम को अलग कर लेंगे और उसमें अब थोड़ी सी क्रीम में हम गनाश मिक्स कर लेंगे लेयरिंग और क्रम कोटिंग के लिए। तो ये भी हो गया है मेरा, तो अब केक रेडी हो गया है। इसको भी रिमूव करेंगे और गनाश भी रेडी हो गया है और ये नाम का लेटर्स भी हमने लिख लिया है वाइट चॉकलेट कंपाउंड से। और क्रीम में चॉकलेट गनाश मिक्स करके रख लिया जिससे को हम लेयर्स में यूज़ करेंगे और इससे हम क्रम कोटिंग करेंगे। तो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस कि चलिए अब केक को असेंबल करते हैं। तो केक को हम तीन लेयर में कट कर लेंगे। तो मैंने पहले नाइफ से मार्क लगाया है, उसके बाद थ्रेड से इसको कट कर लिया था तीन लेयर में इस तरह से। तो मेरी तीन लेयर कट गई है। अब बोर्ड पे क्रीम लगाएंगे और पहली लेयर केक की रखेंगे। इसकी सोकिंग हम करेंगे चीनी पानी और गनाश के मिक्सचर से। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, जो गनाश मिक्स करके क्रीम रखी थी हमने वो लगा देना है। इसको बराबर करना है और साइड को भी कवर करते जाएंगे साथ में, तो जल्दी हो जाएगा, काम आसान हो जाता है। उसके बाद गनाश लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है गनाश। अगर आपके पास चॉको चिप है तो यहाँ पर आप चॉको चिप भी डाल सकते हैं। फिर दूसरी लेयर रखनी है, उसको सोक करना है और फिर वैसे ही क्रीम लगानी है। तो ये प्रोसेस तो हर वीडियो में सेम ही होती है, देखते ही हैं आप। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा और अपना पूरा सपोर्ट मुझे दीजिएगा। वीडियो मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। अब ये तीनों लेयर सेट हो गई है, अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद इसको, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक। तो देखिए, साथ के साथ क्रम कोटिंग करने का फ़ायदा ये है कि 2 मिनट के अंदर ही आपकी क्रम कोटिंग कंप्लीट हो जाती है, टाइम आपका बहुत सेव हो जाता है। और इसके बाद बोर्ड हम साफ कर लेंगे। अब जब तक ये फ्रिज में सेट होगा तब तक हम अपने फाइनल फ्रॉस्टिंग वाली क्रीम को रेडी करेंगे। तो क्रीम में हम मिलाएंगे येलो पाउडर कलर, इससे बहुत अच्छा ऑफ वाइट कलर बन जाता है क्रीम का। अगर जेल कलर मिलाइएगा तो वो येलो हो जाता है, पाउडर कलर से ऑफ वाइट बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे कम लग रहा था कलर तो थोड़ा सा और मिक्स कर दिया, तो ऑफ वाइट देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे, आधा भरेंगे और आधे को बचाएंगे, ऊपर हमें रोजेट बनाना है। तो अब हम पाइपिंग बैग से ही इसमें क्रीम लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, एकदम गैप को छोड़ना नहीं है, बराबर अच्छे से लगाना है। इससे बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा मोटी लेयर क्रीम की चाहिए तो कट को बड़ा कर लीजिए, अगर कम चाहिए तो छोटा कट रखिए। अब ऊपर भी हम इसी से अच्छे से क्रीम लगाएंगे और जहाँ जहाँ गैप रह गया वहाँ गैप को भर देंगे क्रीम से अच्छे से, इसलिए कि नीचे की जो क्रम कोटिंग है वो चॉकलेट की है, थोड़ा सा भी छोड़िएगा तो दिखने लगेगी, बेस दिखने लगेगा। अब ऊपर हम पैलेट नाइफ से सबसे पहले बराबर करेंगे और साइड में भी थोड़ा सा बराबर कर लेंगे ताकि एयर बबल अंदर ना रहे। फिर स्केपर से हम इसको स्मूथ करेंगे। तो पहले मैंने ले लिया था वो सॉफ्ट वाला स्क्रैपर, उससे हुआ नहीं, फिर मैंने अपना नॉर्मल वाला स्क्रैपर लिया, उससे हो गया एक बार में ही। फिर ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम को हम निकाल लेंगे बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए। अब इस पर हमें टेक्सचर देना है, तो ये कोम वाला जो स्क्रैपर होता है वो लिया है और इससे हम 2 से 3 बार ऐसे घुमाएंगे तो बहुत अच्छा सा इस पर टेक्सचर बन जाएगा। और इसी से हम ऊपर बाहर से अंदर की तरफ करते हुए हमें ऊपर भी टेक्सचर दे देंगे। तो केक जो बेस है हमारा रेडी हो गया है, अब इसके ऊपर डेकोरेशन करना बाकी है। इसमें मुझे चॉकलेट ड्रिपिंग करनी है, तो उसके लिए गनाश को पाइपिंग बैग में भर लिया, छोटा सा कट लगाया है और कंसिस्टेंसी चेंज नहीं की है, बहुत पतला नहीं किया है इसको, क्योंकि इसका जो ड्रिप है वो बिल्कुल बोर्ड तक, नीचे बोर्ड तक नहीं जाना चाहिए, बस हाफ केक तक ही रहना है इसको। तो उसी हिसाब से मैंने किया है और जितना गनाश बचा हुआ तो बीच बीच में मैं ऐसे गिरा रही हूँ कि कहीं पर थोड़ा लंबा और कहीं पर छोटा रहे। तो इसी तरह से मैंने ड्रिप्स बना लिया है। तो देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, वाइट पर ये चॉकलेट ड्रिपिंग तो अच्छा लगता ही है।
उसके बाद ये लिया मैंने N2 नंबर का नोज़ल और उसके अंदर वही वाइट जो ऑफ वाइट क्रीम भरी है और उससे इस तरह से रोजेट बनाया। बस सिंपल सा सी डेकोरेशन है, यही डिज़ाइन बना हुआ था वही मैंने बनाया है, कुछ अपना इसमें चेंज नहीं किया है। अब इसका बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर किसी क्रीम से नहीं बनाना है, ये रेनबो वाला जो स्प्रिंकल आता बस उसको नीचे में लगाना है। पिक्चर में ऐसे ही था तो वही मैं बना रही हूँ। बस इस तरह से मैंने एक स्क्रेपर लिया, उससे उठा उठा के इस तरह से मैंने बॉर्डर बना दिया इसका। और इसी वजह से मैंने चॉकलेट की कंसिस्टेंसी ऐसी रखी थी कि ड्रिप जो है बिल्कुल बोर्ड तक ना आए, अगर नीचे तक आ जाता तो फिर बॉर्डर बनाने में दिक्कत होती और वो बहुत मैसी लगता, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस जैसी पिक्चर थी वैसे ही कोशिश किया है बनाने का। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा स्प्रिंकल ऊपर रोजेट पर भी छिड़क देना है। तो पिक्चर में तो बस कंप्लीट इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। मैंने पिक लगा दी है साइड में, आप देख सकते हैं। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा किया वो बस इसमें चॉकलेट शॉट्स लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत प्लेन लग रहा था तो अपनी तरफ से मैंने ये लगा दिया, तो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। अब जो बच्ची का नाम है वो मैं सेट कर रही हूँ, आराध्या नाम है, तो वो लेटर्स में सेट कर रही हूँ केक के ऊपर बीच वाले एरिया में। बहुत ही क्यूट लग रहा था केक देखने में। इसके बाद मैंने उससे मैच करता हुआ एक बर्थडे का टॉपर लगाया और एक बटरफ्लाई लगा दिया, क्योंकि लड़की है तो थोड़ा सा स्पेशल फील होना चाहिए उसको। तो मेरी ये वाली डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो केक मेरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, प्यारी सी डिज़ाइन है, इजी भी है। और इसकी जो पिक मेरे साथ शेयर हुई थी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो आप बताइएगा कि एग्जैक्ट बन पाया है नहीं। उस पिक में कुछ चीज़ नहीं थी, जैसे चॉकलेट शॉर्ट्स नहीं था, बटरफ्लाई नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई डेकोरेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।